ओके, आप सभी को एक बार फिर से निधि रिक्शा इंटरप्राइजेज वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्चुअली गाड़ी से सर्विसिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आया है, एक कस्टमर आए हैं गाड़ी लेकर आए हैं। देखिए इसमें दिक्कत क्या थी गाड़ी में कि गाड़ी का जो पिछला चक्का था ना जाम हो जा रहा था। जब चक्का जाम होता है तो मिस्त्री भी नॉर्मली यही सोचता है कि या तो मोटर ख़राब हो गया होगा या बैरिंग गाड़ी का फूट गया होगा। ठीक है जी, उस अवस्था में कुछ नहीं करना है आपको, गाड़ी कहीं लेकर नहीं जाना है, गाड़ी को घर पे ही चक्का खोल देना है। 19 नंबर जरिन से ये चारों नट निकाल लेना है, चक्का बाहर निकाल लीजिए और ये ड्रम एक्सल से निकाल दीजिए बाहर। इसको पुलिया के माध्यम से निकालिए, देखिए पुलिया है, इसके माध्यम से निकालने से ये होता है कि जो एक्सल होता है डायरेक्ट उस पर हथौड़ा नहीं जाता है, एक्सल सेफ रहता है। इसको ड्रम को बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद ये ब्रेक प्लेट निकाल लीजिए, मैं पहले से खोल लिया हूँ। ब्रेक प्लेट निकाल लीजिए, ये चार नट है 13 नंबर का रिंग से खुलता है, इसको खोल के बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद एक्सल बाहर निकाल लीजिए। देखिए इसका हो क्या रहा था, इसका ये पहले वाला एक्सल है, ये देख रहे हैं ये काला इसका ना बिल्कुल एकदम पतला हो गया था, इसलिए बैरिंग आगे पीछे हो रहा था। बैरिंग आगे पीछे होगा तो चक्का और ड्रम एक जगह नहीं रहेगा, इसलिए उसका बैरिंग सही, उसका ब्रेक सही से नहीं लगेगा और उस स्थिति में उसका बैरिंग भी फूट जाता है, एक्सल भी कभी कभार टूट जाता है। तो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैरिंग चेंज कर एक्सल चेंज कर दिया हूँ, इसलिए इसे कलर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, इसको मैं नया एक्सल लगा दिया हूँ। अब देखिए बैरिंग में भी उसके वजह से हल्का फुल्का कंपन है, लेकिन बैरिंग अभी चल जाएगा, हल्का फुल्का कंपन बैरिंग में चल जाता है। अब इसके अंदर ग्रीस डाल देंगे, ग्रीस डाल के इसको आयल सील लगा के, इसका आयल सील यहीं पर है, आयल सील से लगा के इसको पैक करके फिर पुनः इसको इसमें डाल देंगे, डाल के इसको प्रॉपर जैसे खोले हैं वैसे ही इसको कस देना है। और देखिए कसते समय एक और बात ध्यान दिया जाता है, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मिस्त्री हैं, ढेर सारे मिस्त्री हैं, सबका अलग अलग दिमाग है, मैं आप लोगों को एक टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, घर पे आप खुद कर सकते हैं, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। इसमें कभी भी एक्सल ये जो कॉलर वाला जहाँ बैरिंग फिट होता है इसमें कभी भी ग्रीस लगाना ना भूले, इसमें और ये ब्रेक प्लेट पे जहाँ ब्रेक लगता है, इससे क्या होता है कि ब्रेक का रोटेशन बना रहता है और बैरिंग भी सही जगह सेफ रहेगा, जब अगली बार आप सर्विसिंग में एक्सल निकालेंगे बाहर तो आराम से निकल जाएगा।